नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T144W versus Oppo A16K का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T144W में 6.33 इंच जबकि A16K में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो T144W में 2.9 इंच जबकि A16K में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो T144W में 0.33 इंच जबकि A16K में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो T144W में 182 ग्राम्स जबकि A16K में 175 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T144W में AMOLED जबकि A16K में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T144W में 6.44 इंचेस जबकि A16K में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T144W में 1080x2400 और A16K में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T144W में 84.49% जबकि A16K में 83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T144W में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A16K में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T144W में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A16K की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T144W में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A16K में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T144W में Adreno 610 जबकि A16K में Powerwer GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T144W में Qualcomm Snapdragon 680 और A16K में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो T144W में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि A16K में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो T144W में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A16K में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T144W में Android V12 जबकि A16K में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी T144W में 5000mAh जबकि A16K में 4230mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T144W में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A16K की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 10,490 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,490 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo T144W में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A16 के की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में T144W आगे है, मेन कैमरा में T144W आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T144W आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Vivo Y21T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।